नमस्कार, मील विद लव हेल्दी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गहतिया कुलथ की दाल बिल्कुल अलग तरीके से। इसको हम पहले अच्छे से छान लेंगे और इसको रात भर भिगो देंगे। इसको रात भर भिगोना है। ये देखिए सुबह यह फूल गया है, दाल हमारी फूल चुकी है। इसको एक बार धो लेंगे। अब लेंगे हम लहसुन के पत्ते और हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और लहसुन की कलियाँ। लहसुन के पत्ते ऑप्शनल हैं तो लीजिए, नहीं है तो स्किप कीजिए। और जो चीज़ें हैं वो इसमें एसेंशियल हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को आप स्किप कीजिए। इसकी जगह आप गर्म मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। ये देखिए, कुछ दाल को मैं लूँगी एक मिक्सिंग जार पर। ये मेरी जितनी भी दाल है उससे मैं 70% मिक्सिंग जार पर ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा छोड़ दूँगी। इसके साथ मैंने कुछ गरम मसाले भी भिगा दिए थे रात को, क्योंकि उसका फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ गया है। और ये देखिए, ये है एक गंधेड़ने का पीस, इसको भी मैंने रात को भिगा दिया था। ये देखिए, मैंने इतनी दाल ले ली है और कुछ दाल इसमें ही छोड़ देंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब इसको हम पीस लेते हैं। इसको हम ना ज़्यादा बारीक पीसेंगे ना ज़्यादा मोटा। अब मैं कुछ खड़े मसाले जो मैंने लिए हैं वो आपको बताती हूँ। ये हैं कुछ काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, दो लौंग और ये है गंधेड़नी। ये पहाड़ों में मिलती है, अगर ये मिल जाए तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कीजिए। ये मसाले आपको दाल के साथ ही पीसने हैं। ये देखिए, मैंने दाल पीस ली है। इस कंसिस्टेंसी की दाल पीसेंगे, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटी। अब लेंगे हम एक लोहे की कढ़ाई। कढ़ाई हमें लोहे की ही लेनी है। लोहे की कढ़ाई को लेने से पहले इसको एक बार ईंट से हल्का सा रब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो उसका आयरन है वो बिल्कुल निकल के बाहर आएगा और आपकी जो दाल है बहुत काली बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसमें लिया है मैंने एक स्पून सरसों का तेल, बस एक चम्मच ही तेल लेना है, अभी ज़्यादा तेल हमें नहीं लेना है। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाला है मैंने हींग। और एक करछी को अभी हमें हाथ में रखना है। करछी हमें यहाँ पर ज़रूर से अपने हाथ में रखनी है, अगर आप थोड़ा देर करेंगे तो जल जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से क्या होता है, हल्दी पक भी जाती है और इसका अच्छा सा हरा कलर आता है और आपके जो ये हम डुबके बना रहे हैं जल्दी से जलती नहीं है। अब हम जल्दी से इसमें डालेंगे अपनी दाल और इसको फटाफट हिलाएंगे। इसको आपको छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको अपने हाथ को नहीं छोड़ना है, इसको हिलाते रहना है। ये देखिए, मैं हिलाते रह रही हूँ और इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पर पानी फुल ऐड नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों। अभी मैंने इसमें आधा कढ़ाई ही पानी डाला है। जब ये थोड़ी देर पक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं पूरा पानी इसमें भर दूँगी तो ये उबाल आते हैं, तो ये उबाल आके जल्दी से नीचे गिर जाएंगी। तो मैंने अभी आधी कढ़ाई में ही पानी भरा है। 2-3 मिनट इसको लगातार चलाना है, इसको आपको चलाते रहना है। साथ साथ हम कुछ काम भी कर लेते हैं। ये मेरे जो इंग्रेडिएंट थे, धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इनको हम काट कर पीस लेंगे और साथ साथ हम उसको भी चलाते रहेंगे। आपको उसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ उसको चलाते रहना है। इसमें से मैं कुछ धनिया, कुछ लहसुन की कलियाँ और कुछ लहसुन के पत्ते अलग करूँगी और बाकी को मैं अलग पीसूँगी। इसे मैंने दो भाग में डिवाइड करना है, एक में थोड़ा सा और एक में ज़्यादा। और एक चीज़ और, लहसुन को हम यहाँ पर नहीं पीसेंगे, लहसुन को मिक्सी में नहीं पीसेंगे। ये देखिए, मैंने लहसुन की पत्तियाँ, अदरक, हरी मिर्च और धनिया मिक्सिंग जार में ले लिया है और लहसुन को मैंने हटा दिया है। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इनको अच्छे से चॉप करके आप मिक्सिंग जार में डालिए और पीस लीजिए। इसके साथ साथ आपको अपनी दाल को भी हिलाते रहना है। यहाँ पर मैं दाल को भी लगातार हिला रही हूँ और ये काम भी मैं कर रही हूँ। अब मैं इन हर्ब्स को पीस लूँगी। दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ा सा गाढ़ी हो गई है और मैंने अपना धनिया और उसका पेस्ट भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दाल में लगातार उबाल आ रहा है, ये गाढ़ी हो रही है। इसमें डाल लेंगे धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था इसमें डाल लेंगे। कई लोग इसको एक साथ पीस लेते हैं, पर आप इसको बाद में डालिए। बाद में क्या होता है, कभी ये उबाल आ जाता है, उससे जितना भी आप ये डालेंगे हर्ब्स, इसका फ्लेवर हट जाएगा, वो सब गिर जाएगा और ये हट जाएगा। इसलिए जब आप इसे पका लें 10 मिनट, उसके बाद ये पेस्ट डालिए, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर थोड़ा मेहनत का काम है, दाल को मैं लगातार हिलाते हुए पकाना है जब तक इसका उबाल आना बंद ना हो जाए। ये देखिए, दाल अभी भी उबाल आ रही है, अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो दाल गिर जाएगी, तो इसलिए हमें इसको लगातार हिलाना है। अब जो मैंने दाल बचाई थी उसको हम लेंगे एक मिक्सिंग जार में। ये थोड़ा सा मैंने दाल बचाई थी, इसको मिक्सिंग जार में लेंगे और इसको हम बिल्कुल ड्राई पीसेंगे, इसमें हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें लेंगे हम हरा धनिया, लहसुन की पत्तियाँ,
थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक, लहसुन की कलियाँ और हमारे बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में हम लेंगे हल्दी, चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर लाल मिर्च और चुटकी भर धनिया। आप धनिया स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि धनिया पड़ा है। और इसमें लेंगे हम चाट मसाला। अगर आपको थोड़ा सा इसको खट्टा करना है तो अमचूर पाउडर भी आप ले सकती हैं, इसमें अमचूर पाउडर डाला जाता है। ये देखिए धनिया, हल्दी और मिर्च और अमचूर पाउडर या चाट मसाला इसमें आप ले सकते हैं। इसको आप बिल्कुल ड्राई ग्राइंड करेंगे। इसके साथ साथ दाल को भी हिलाते रहना है। ये देखिए दाल उबल रही है, अब ये बाहर नहीं आएगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक आप पहले ऐड नहीं करेंगे नहीं तो ये फट जाएंगी। 15 मिनट बाद मैंने नमक ऐड कर लिया है। मिक्सिंग जार में जो मैंने अभी दाल ली थी वो भी मैंने पीस ली है। देखो बिल्कुल ड्राई पीसी है। इसके बनाएंगे हम इडरे, इसको कहते हैं पहाड़ी में इडरे। इसको अब कैसे बनाएंगे ये आपको बहुत ध्यान देना है। अब देखिए मैंने जो कुछ लहसुन की कलियाँ बचाई थी उनको मैं ओखली में कूटूंगी। वो क्यों? अगर आप ओखली में कूट के लहसुन की कलियाँ डालते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसे मिक्सी में पीस लेंगे तो लहसुन का स्वाद उठ के नहीं आएगा, और इसमें लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। ओखली को छाल के मैंने इसमें डाल लिया है क्योंकि लहसुन का पानी उसमें रह जाता है। एक चीज़ आपको और नोट करनी है, मैंने कढ़ाई में पानी बढ़ा दिया है। दाल को मैंने अभी पतला कर लिया है। ये जो मैंने दाल पीसी थी उसको लेंगे हम एक प्लेट में। उसके बाद इसके छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे। आप लंबे या गोल कैसे बना सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं बनाने हैं और बहुत छोटे भी नहीं बनाने। अगर बहुत छोटे बनाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, बहुत बड़े बनाएंगे तो वो टाइट हो जाएंगे। तो मैंने इस आकार के बनाए हैं, आप इससे थोड़ा छोटा और कर सकते हैं। ये मेरे कुलत के इडरे बनकर तैयार हैं, और इसको आप पेड़े भी बोल सकते हैं। अब इनको डालने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको दाल में पानी बढ़ाना है। देखिए मैंने पूरे कढ़ाई फूल होने तक पानी बढ़ा दिया है, और इसमें उबाल आते रहना चाहिए। जब अच्छा उबाल आएगा तो एक एक करके इनको हमें डालना है 10-10 सेकेंड के डिस्टेंस में। जैसे एक डालो उबाल आई फिर दूसरा डालना है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको करछी यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। अब आपको करछी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले आपको श्योर करना है कि आपके जो ये डुबके हैं वो तल में चिपक तो नहीं रही हैं। जब ये चिपकना छोड़ देंगे और इसमें आप पानी बढ़ाएंगे और अच्छा सा उबाल आने के बाद इसमें आप ये इडरे 10-10 सेकंड के गैप में ऐड करेंगे। दाल का उबाल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए और करछी को हम यूज़ नहीं करेंगे। मैंने सारे इडरे इसमें डाल दिए हैं। 3 या 4 मिनट बाद ये देखिए ये पक कर ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए एक साइड से आ गया है। अब हमें चेक करना है कि और क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं हल्के से बिल्कुल करछी को पकड़ूंगी, बिल्कुल हल्के से 2 मिनट रुक के, और हल्के से जब उसमें टच करूंगी तो धीरे से सारे ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर ऊपर एक आ गया है और नहीं आ पा रहे हैं तो 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल करछी को हल्के से ऐसे हल्का से टच करना है। ये देखिए सारे ऊपर आ गए हैं। आपको बहुत ज़ोर से नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से। और अब करछी को आपको ऐसे ही इसमें हिलाना है, डालना है, बिल्कुल करछी को उल्टा करना है और बीच वाले गैप में उसको आप बहुत धीरे धीरे हिलाएंगे। अगर आपको इसको हिलाना है तो सारे इडरे पककर साइड आ गए हैं। आपको जोर जोर से नहीं हिलाना है, बिल्कुल करछी को उल्टा करके ये आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं तो आपके इडरे टूट जाएंगे और आ हिलाएंगे नहीं तो आपकी दाल जल जाएगी। बिल्कुल बीच में आपको करछी को डाल के बहुत हल्के मोशन में आपको उल्टा कर करछी को हल्के हल्के हिलाना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको नहीं हिलाना है। ये देखिए पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने आँच को कम कर लिया है और बीच बीच में मैं हल्के हल्के बहुत हल्के से इसको हिला भी रही हूँ। इस दाल को पकने में 45 मिनट या 1 घंटा आराम से लग जाता है। तब तक हम चावल भिगा लेते हैं। ये मैंने लिए हैं 1 कप चावल, इनको मैं भिगा लूँगी। आधा घंटा मैं इनको भिगाऊंगी, उसके बाद मैं इनको बनाऊंगी। ये मैंने इन्हें साफ से धो लिए हैं और इनको भिगाने को रख दिया है। इससे क्या होगा, चावल बिल्कुल खिल के आएगा बाहर। अगर हम भिगाएंगे नहीं तो चावल अच्छे से नहीं पकेगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, इसे मैंने धोकर सीधे कुकर में डाल लिया है। अगर मैं इसको भिगा के छोड़ दूंगी और बाद में इसे टच करूंगी तो ये टूट जाएंगे। तो जैसे ही मैंने इनको धोया और मैंने इनको कुकर में ही भिगा दिया है, और जिस गैस में मुझे पकाना है मैंने उसमें इसको रख दिया है। और जब मुझे इसको बनाना होगा तब मैं इसको गैस ऑन करूंगी। चावल को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, अगर चावल आप हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लिया, ये देखिए इतना, क्योंकि बहुत कम चावल है। तो मैंने वैसे, अगर ज़्यादा चावल हो तो आप इस हैंड की फर्स्ट लाइन तक पानी लीजिए। अब मेरा चावल बहुत कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया, आधा, अब जो फिंगर है उसका टिप का आधा। इसको हम ढककर रख देते हैं गैस के ऊपर, जिसमें मुझे इसको बनाना है। इसको बिल्कुल भी अभी हमें हिलाना डुलाना नहीं है। डुबके मेरे बनकर तैयार हैं। मैंने इन्हें ढककर आधा घंटा छोड़ दिया था। इसमें देखिए मलाई अच्छी से जम गई है। ये दाल में क्या होता है, अगर इसको आप रेस्ट देंगे बनाने के बाद तो ये और भी स्वादिष्ट होती है। देखिए कढ़ाई के चारों तरफ एक मलाई सी जम गई है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब हम अपना चावल भी चढ़ा लेंगे
और यहाँ तड़के देने की तैयारी करते हैं। चावल में सीटी मैंने लगा ली है, अब तड़का मैं बिल्कुल पुराने स्टाइल में दूंगी एक करछी के ऊपर। मैंने उसमें घी डाला है, थोड़ा सा जम्बू और थोड़ा सा डाला है जीरा। तड़का अपने हिसाब से दे सकते हैं, हींग भी आप इसमें डाल सकते हैं, हींग मैंने पहले डाल ली है। अब इसे हम जल्दी से लगाएंगे इसमें और इसको कर देंगे बंद। तड़का लगाने के तुरंत बाद उसमें आप ढक्कन लगा दीजिए, उससे क्या होता है तड़के का फ्लेवर उसमें ही रह जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अब इसे करते हैं हम सर्व। पारंपरिक तौर पर इसको थाली में ही सर्व किया जाता है।